हेलो फ्रेंड्स और हमारे प्रिय छात्रगण, जैसा कि आप देख रहे हैं जेपीएससी पीटी पेपर टू का एक चैप्टर था सिलेबस में झारखंड आंदोलन, जिसके तहत उस झारखंड आंदोलन के तहत ही आपको पढ़ना है झारखंड के छदान, झारखंड के आदिवासी, झारखंड के जनजातीय विद्रोह, झारखंड राज्य के निर्माण का आंदोलन और भारतीय स्वतंत्रता में झारखंड का योगदान। ये 5-6 टॉपिक आपको झारखंड आंदोलन के तहत पढ़ना है, जो जेपीएससी पीटी पेपर टू झारखंड समान ज्ञान का एक सिलेबस है। उसी सिलेबस के अंतर्गत हम कंटिन्यू कर रहे हैं झारखंड के आदिवासी के तहत। हम इसके पहले वाले क्लासेस में संथाल, उरांव, मुंडा, हो और खरवार, झारखंड की 5 सबसे बड़ी कर्मशा वाली जनजाति है। हम खरवार के बाद अन्य जनजातियों की चर्चा विथ लेक्चर और नोट्स के माध्यम से करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि उन आदिवासियों का बाकी जो शेष बचे हैं उनका सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक की क्या क्या विशेषताएँ स्पष्ट रूप से दिखती है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। छात्रगण, नोट्स को कंटिन्यू कीजिए और लिखिए, हेडिंग दीजिए खड़िया जनजाति। हेडिंग दीजिए आप लोग खड़िया जनजाति, खड़िया जनजाति। और इसका पहला पॉइंट लिखिए आप लोग पालकी। पालकी मतलब शादी वाली पालकी। पालकी ढोने के कारण इन जनजाति का नाम, पालकी ढोने के कारण इन जनजाति का नाम खड़िया रखा गया, खड़िया रखा गया। जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह से संबंधित हैं, जो मुख्य रूप से कुमला सिमडेगा जिले में, जो मुख्य रूप से गुमला और सिमडेगा जिले में सर्वाधिक पाई जाती है, साथ ही साथ यह जनजाति उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आसाम, एवं पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है। जिसे जिसे 3 वर्गों में, 3 कैटेगरीज, जिसे 3 वर्गों में विभाजित करते हैं जिसे 3 वर्गों में विभाजित करते हैं, जिसे दूध खड़िया, पहाड़ी खड़िया, जिसे दूध खड़िया कोमा दीजिए, पहाड़ी खड़िया और ढेलकी खड़िया कहते हैं, खड़िया कहते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, खड़िया जनजाति की भाषा का नाम भी, खड़िया जनजाति की भाषा का नाम भी, नाम भी खड़िया है, खड़िया है जो मुंडारी, जो मुंडारी समूह, मुंडारी ग्रुप, जो मुंडारी समूह अर्थात ऑस्ट्रो एशियाटिक, जो मुंडारी समूह अर्थात ऑस्ट्रो एशियाटिक, एशियाटिक समूह की भाषा है, समूह की भाषा है। नेक्स्ट, इस जनजाति में बहुविवाह, मतलब एक व्यक्ति का अनेक पत्नियां, एक से अधिक, इस जनजाति में बहुविवाह का प्रचलन है। यद्यपि सर्वाधिक प्रचलित विवाह, यद्यपि सर्वाधिक प्रचलित विवाह खरीद वाली, मतलब क्रय, यद्यपि सर्वाधिक प्रचलित विवाह क्रय विवाह है, क्रय विवाह है, जिसे क्रय, जिसे क्रय ओलोल दाय, जिसे क्रय ओलोल दाय, जिसे क्रय ओलोल दाय कहते हैं, इसे असल विवाह, इसे असल विवाह भी कहते हैं। साथ ही साथ इस जनजाति में युवा गृह, साथ ही साथ इस जनजाति में युवा गृह को गोतिया, युवा गृह को गोतिया कहते हैं, गोतिया कहते हैं, तथा साथ ही साथ इस जनजाति में युवा गृह को गोतिया कहते हैं, तथा वधु मूल्य, वधु को देने वाले मूल्य, तथा वधु मूल्य को गिनिड़ तड़ कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनका सर्वोच्च देवता बेड़ो, मतलब सूर्य, इनका सर्वोच्च देवता बेड़ो अर्थात सूर्य है, इनका सर्वोच्च देवता बेड़ो अर्थात सूर्य है, सन, जिसे बेला भगवान भी कहा जाता है, जिसे बेला भगवान भी कहा जाता है, या इसे ठाकुर भी कहते हैं, या इसे ठाकुर भी कहते हैं।
साथ ही साथ पहाड़ देवता को पार टूबो, साथ ही साथ पहाड़ देवता, साथ ही साथ पहाड़ देवता को पार टूबो, वन देवता को बोराम, साथ ही साथ पहाड़ देवता को पार टूबो, वन देवता को बुराम और सरना देवी को, और सरना देवी को गूमी, साथ ही साथ पहाड़ देवता को पार टूबो, वन देवता को बुराम और सरना देवी को गूमी के नाम से पुकारा जाता है, पुकारा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, खड़िया गांव के प्रधान को, खड़िया गांव के प्रधान को प्रधान कहते हैं, खड़िया गांव के प्रधान को प्रधान कहते हैं, जबकि धार्मिक प्रधान को, जबकि धार्मिक प्रधान को, जबकि धार्मिक प्रधान को कालो या पाहन, जबकि धार्मिक प्रधान को कालो या पाहन कहते हैं। कहते हैं नेक्स्ट लिखिए आप लोग, भूमिज, देखिए भूमिज जनजाति, हेडिंग दीजिए भूमिज जनजाति, भूमिज जनजाति। इसमें लिखिए भूमि जनजाति का फर्स्ट पॉइंट लिखिए आप लोग, यह जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह से आती है, या लिख सकते हैं यह जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह से संबंध रखती है, यह जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह की है, समूह की है। भूमिज का शाब्दिक अर्थ होता है, भूमिज का शाब्दिक अर्थ होता है जिनका जन्म भूमि से हुआ है, भूमिज का शाब्दिक अर्थ होता है जिनका जन्म भूमि से हुआ है, हुआ है। उसी में इस जनजाति को हिंदू, इस जनजाति को हिंदू संस्करण, इस जनजाति को हिंदू संस्करण अर्थात जनजातियों का हिंदू संस्करण, अर्थात इस जनजाति को हिंदू संस्करण, अर्थात जनजातियों का हिंदू संस्करण भी कहा जाता है। जिसमें हिंदू की तरह, जिसमें हिंदू की तरह नातेदारी व्यवस्था, इसमें हिंदू की तरह नातेदारी, नातेदारी रिलेशन व्यवस्था प्रचलित है। नेक्स्ट पॉइंट,
मुगल काल में इस जनजाति को चुहाड़ के उपनाम से चुहाड़ उपनाम से जाना जाता था वर्तमान में यह जनजाति सबसे अधिक पूर्वी सिंहभूम में पाई जाती है। यद्यपि धनबाद में इस जनजाति को सरदार के उपनाम से या सरदार के नाम से जाना जाता है जिसकी भाषा मुंडारी अर्थात ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह की है, और इनकी भाषा पर बंगला एवं सदानी भाषा का प्रभाव स्पष्ट दिखता है नेक्स्ट पॉइंट, भूमि जनजाति के सर्वोच्च देवता का नाम भूमि जनजाति का सर्वोच्च देवता ग्राम ठाकुर या गोराय ठाकुर है। भूमि जनजाति का सर्वोच्च देवता ग्राम ठाकुर या गोराय ठाकुर है नेक्स्ट पॉइंट, समाज पितृसत्तात्मक होता है। और यह जनजाति में चार गोत्र देखने को मिलता है। तलाक की प्रथा पाई जाती है तथा पति के द्वारा या पति द्वारा पत्ते को फाड़कर टुकड़े करने पर तलाक हो जाता है नेक्स्ट पॉइंट, भूमिज जनजाति के समाज में पुजारी को लाया कहा जाता है
जो बैसाख माह में भूमि जनजाति में समाज के प्रधान को लाया कहा जाता है, जो बैसाख माह में गांव के कल्याण के लिए, जो बैसाख माह में गांव के कल्याण के लिए गांव के पुजारी द्वारा धूला पूजा, जो बैसाख माह में गांव के कल्याण के लिए गांव के पुजारी द्वारा धूला पूजा नाम है, धूला पूजा करता है। नेक्स्ट पॉइंट, भूमि जनजाति में गांव का मुखिया प्रधान कहलाता है, प्रधान कहलाता है। प्रधान कहलाता है, उसी में लिखेगा। भूमिज का भूमिज का आर्थिक जीवन का मुख्य पेशा कृषि कार्य है। कृषि कार्य है। नेक्स्ट लिखिए आप लोग, लोहरा जनजाति। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, लोहरा जनजाति। और इसमें लिखिए, अन्य लोहरा का पहला पॉइंट है, अन्य जनजातियों की तरह लोहरा को भी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह में रखा जाता है। अन्य जनजातियों की तरह लोहरा जनजाति को भी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह में रखा जाता है। यद्यपि यह जनजाति सदानी भाषा बोलते हैं, जिनकी सामाजिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक और पितृवंश, मतलब पिता की ओर से वंश, जिनकी सामाजिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक और पितृवंशी है। नेक्स्ट पॉइंट, यह जनजाति सर्वाधिक दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के यह दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के रांची, गुमला, सिमडेगा में पाई जाती है। जिनका मुख्य पेशा लोहे के औजार और हथियार बनाना है। जिनका मुख्य पेशा लोहे के हथियार और औजार बनाना है। उसी में लोहरा जनजाति झारखंड की आदिवासियों में एक, लोहरा जनजाति झारखंड के आदिवासी में एक, लोहरा जनजाति झारखंड के आदिवासी में एक
आदिवासी में एक पेशेवर मतलब पेशा ऑक्यूपेशन पेशेवर जाति है, पेशेवर जाति है। नेक्स्ट पॉइंट, समान रूप से लोहरा को असुर के वंशज के रूप में माना जाता है, जो सात गोत्रों में विभक्त होते हैं। जिनका सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा तथा धरती माई है, सिंह बोंगा तथा धरती माई है। धरती माई है। छात्रगण नेक्स्ट लिखिए, गोंड जनजाति लिखिए, इसमें गोंड भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। गोंड भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, जो मध्य प्रदेश से हस्तांतरित होकर जो मध्य प्रदेश से स्थानांतरित होकर झारखंड में आए हैं। इसे योद्धा जाति के रूप में जाना जाता है। और ये अपने आप को स्वयं क्षत्रिय राजाओं के रूप में स्वीकारते हैं। जिनकी मुख्य भाषा गोंडी है, गोंड से बन गया गोंडी, जिनकी मुख्य भाषा गोंडी है, गोंडी। यद्यपि गोंड जनजाति का मूल निवास स्थान मध्य प्रदेश और गोंडवाना में है, या गोंडवाना क्षेत्र में है। नेक्स्ट पॉइंट, समान रूप से गोंड जनजाति को द्रविड़ प्रजाति के अंतर्गत रखा जाता है। इस जनजाति में
लोग ज्वाइंट फैमिली संयुक्त परिवार को ज्यादा महत्व देते हैं। इस जनजाति में लोग संयुक्त परिवार को ज्यादा महत्व देते हैं तथा संयुक्त परिवार को भाई बंद कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, समाज में स्पष्ट रूप से युवा गिरह का प्रचलन है, जिसे घोटुल या गोटल कहते हैं। इनमें दूध लोटवा मतलब शादी बेटी को दिया, वहां से किसी का बेटी को लाया, ऐसा विवाह। इनमें दूध लोटवा को बड़ा ही महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस जनजाति में वधू मूल्य देकर मतलब लड़की के पिता को मूल्य देकर इस जनजाति में वधू मूल्य देकर विवाह करने की पद्धति इस जनजाति में वधू मूल्य देकर विवाह करने की पद्धति सबसे ज्यादा प्रचलित है। तलाक प्रथा पाई जाती है। साथ ही इस जनजाति के लोग मृत्यु के बाद शव को मसनी में दफनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संयुक्त परिवार जब बहुत बड़ा विस्तृत संयुक्त परिवार जब बहुत विस्तृत बड़ा हो जाता है तो उसे भाई बिरादरी कहते हैं। उसी में गौंड समाज तीन वर्गों में विभक्त है। जिसे राजगोंड अर्थात संपन्न वर्ग, अभिजात्य वर्ग, अर्थात राजगोंड अर्थात अभिजात मतलब संपन्न गोत्र, ये संपन्न वर्ग, कौमा घूर गोंड
घूर गोंड अर्थात सामान्य वर्ग, और कमिया कमिया गोंड जिसे खेतिहर मजदूर वर्ग कहते हैं, वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गोंड जनजाति का प्रमुख देवता ठाकुर देव, गोंड जनजाति का प्रमुख देवता ठाकुर देव सूर्य का प्रतीक है, सिंबल ऑप्शन। गोंड जनजाति का प्रमुख देवता ठाकुर देव सूर्य का प्रतीक है। एवं ठाकुर देव सूर्य और ठाकुर देई और ठाकुर देई धरती माता का प्रतीक है। प्रतीक है। इस जनजाति में पुजारी को बैगा कहा जाता है, जबकि बैगा के सहायक को मती, जबकि बैगा के सहायक को मती कहते हैं, मती कहते हैं। मती कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बैगा जनजाति का मुख्य पेशा कृषि है। बैगा जनजाति का मुख्य पेशा कृषि है, यद्यपि इनमें झूम कृषि मतलब अस्थान्तरण शील कृषि माइग्रेट एग्रीकल्चर, यद्यपि इनमें झूम कृषि का भी प्रचलन है, जिसे दीपा या बेवार, जिसे दीपा या बेवार कहते हैं, जिसे दीपा या बेवार कहते हैं, जिसे दीपा या बेवार कहते हैं। तो छात्रगण, झारखंड के आदिवासी चैप्टर के तहत हम लोगों ने आज से पहले वाले क्लास में संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खरवार, झारखंड की पांच बड़ी जनजातियों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को समझा और देखा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आपको मैं नोट डाउन करवाया। आज की क्लास में मैंने बताया आपको खड़िया, भूमिज, लोहरा और गोंड जनजाति की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य कैसा है, किसकी क्या विशेषता है, किसके कौन देवता हैं, कौन सा काम आर्थिक जीवन का मुख्य आधार क्या है, ये सारी बातें मैंने अभी, ये पांच खड़िया, भूमिज, लोहरा और गोंड, ये चार जनजाति के बारे में आपको बताया। नेक्स्ट क्लास में आगे अन्य जनजातियों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि शेष अन्य जो जनजातियां हैं उसकी क्या विशेषताएं पाई जाती है। ओके, थैंक यू।